हेलो फ्रेंड्स, टारगेट गवर्नमेंट नौकरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स देखेंगे। अगर वीडियो चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए आप, 22 गुणे 31 है, तो इसको आप मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसे दो लाइन खींचे, फिर यहाँ दो लाइन खींचे, फिर 1 2 3, फिर ये 1, ठीक है। ये कैसे किया मैं आपको बताता हूँ, पहले आप इतना देखिए, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे 1 2 2 बार काटा तो 2 लिख दिए, यहाँ पे दे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार काटा यहाँ लिख दिए, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 लिख दिए, ये इसका मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह से हम और भी वीडियो क्वेश्चन देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आखिर मैं ये कर क्या रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये ट्रिक कैसे काम करता है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर 2 लिखा है, ठीक है, तो यहाँ 2 लिखा है तो हम 2 लाइन ऐसे खींचेंगे, ठीक है, 2 लाइन ऐसे खींचा, फिर यहाँ देखिए 4 लिखा है तो 4 लाइन खींचेंगे, थोड़ा सा गैप देके 1 2 3 4, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे 1 है तो अब 1 लाइन ऐसे खींचे, ठीक, फिर ये 3 है तो थोड़ा सा गैप देके 1 2 3, ठीक है, ये इस तरह से हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा कितनी कितनी बार काटा है उसको, यहाँ देखिए ये इसको जोड़िए और यहाँ पर लिखिए, इसको और इसको कितनी बार काटा है इसको जोड़ करके यहाँ लिखेंगे, और ये वाला जो है इसको जोड़ करके हम यहाँ पर लिख देंगे तो हमारा आंसर आएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 का 12 नहीं लिखेंगे, 12 का 2 लिखे और 1 यहाँ पर हासिल, ठीक, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, 6 4 10, 10 1 11 का 1 हो गया और 1 यहाँ हासिल चला जाएगा। यहाँ कितना बार काटा, 1 2 2 1 3, 312, ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, 23 × 32। अब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे, फिर से ये 2 है तो 2 लाइन खींचा, ये 3 है तो थोड़ा सा गैप देके तीसरा लाइन 3 लाइन और खींच दिए, फिर यहाँ 3 है तो 1 2 3, यहाँ 2 है तो 1 2। अब ये वाला जो है यहाँ पर इसको एक साथ लिखिए, इसको और इसको जोड़ करके एक साथ लिखिए, फिर ये वाला लिखिए, ठीक, इसको जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 का 3, 1 यहाँ हासिल, 1 2 3 4 5 6 1 7 736, इसका मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह से अगर 2 डिजिट की जगह 3 3 डिजिट हो जाए तब क्या करेंगे, फिर ये देखिए 2 है यहाँ पर तो ये हमने 2 लाइन खींच दिया, ठीक, फिर यहाँ पर 1 है तो फिर थोड़ा सा गैप देके 1 लाइन और खींच दिया, फिर 3 है यहाँ पर तो 3 लाइन खींचेंगे थोड़ा सा गैप देके, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 लिखा है तो 3 1 2 और ये 3, ठीक है। इसी तरह से ये 2 लिखा है तो यहाँ 2 2 कर दिया, यहाँ 4 लिखा है तो 1 2 3, ये 4 लाइन खींच दिया। अब देखिए इसको कैसे कैसे जोड़ना है ये भी दिखा देता हूँ। आप यहाँ देखिए यहाँ पे जो है ये वाला एक साथ जुड़ेगा और यहाँ लिखाएगा, और ये वाला और ये वाला एक साथ जुड़ के यहाँ लिखा जाएगा, और ये वाला यहाँ और ये, इन तीनों को जोड़ करके यहाँ लिख देंगे, और इसको इन दोनों को जोड़ करके यहाँ लिख देंगे, और ये वाला जो है यहाँ आएगा, ठीक है। अब देखिए अब जोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 का 2 एक हासिल यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 1 11 का 1, 1 यहाँ हासिल गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 20, 20 का 0, 2 यहाँ हासिल गया, 1 2 3 4 5 6 7
ये 7 हो गया, 4 3 7 2 9। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 6, तो ये आपका मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन आप बहुत इजीली आराम से कर सकते हैं। जैसे देखिए, आप जल्दी से करके देखिए, 12 × 13 हो गया है ना, तो उसमें क्या करेंगे, एक लाइन खींचा, फिर दो लाइन खींचा, फिर एक लाइन खींचा, इधर 1 2 3, अब इंटू करिए, 3 3 3 6, ये 6 हो गया, और यहाँ 3 2 5 और 1 156 आ गया इसका आंसर। इसी तरह से और भी देख सकते हैं, जैसे 13 × 21 हो गया, इसका आप करिए, एक फिर ये 3 है तो 1 2 3, फिर 2 है तो 1 2, फिर ये 1 है तो 1, अब इसको करेंगे, यहाँ 3 आ गया, इन दोनों को करिए तो कितना, 1 2 3 4 5 6, 1 7 7 हो गया, 1 ये 2, 273। इसी तरह से आप देखिए, जैसे 22 × 32 है, तो इसका क्या हो गया, 1 2 1 2, ये 1 2 3 1 2, या इसको जोड़िए, 4 हो गया, ये 4 6 4 10 के 0 81, 6 1 7 704। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो बच गया था यहाँ पर देखिए, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है इसका एक अलग ट्रिक है। ठीक है, इसमें आप देखिए क्या करेंगे, देखिए इसकी कंडीशन क्या है पहले वो देख लीजिए। इसकी कंडीशन ये है कि जो एक जो डिजिट है उसमें सारे के सारे 9 9 9 9 होने चाहिए, ठीक, और उसके बाद यहाँ नीचे कुछ भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम, जो नीचे जो नंबर दिया है इसमें -1 करते हैं और उसको यहाँ लिख देते हैं। लिखिए, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से एक एक माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 7 हो जाएगा, बाकी सब वही 5 4 3 2 1, और यहाँ 8 की जगह यहाँ 1 माइनस हुआ तो 7। अब उसके बाद क्या करते हैं, अब ये जो ऊपर वाला नंबर है, ये इसमें से इसको माइनस करके यहाँ पर भी लिख देंगे, तो 9 में से 5 जाएगा 4, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 2 गया कितना बचा 7, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 7 गया 2। इस तरह से आप इसका मल्टीप्लाई निकाल लेते हैं। सिर्फ यही नहीं, कोई भी नंबर हो, जैसे कि लेकिन एक जो होना चाहिए वो 99 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए, ये 9 9 9 9, ठीक है, ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 5 4 3 2 इससे, है ना, तो इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप करेंगे यहाँ नीचे वाले से -1, तो कितना हो जाएगा, 5 4 3 1। ठीक, अब ये ऊपर वाला जो है इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 3 गया 6 7 गया 3 1 1 गया तो 8। ठीक है, ये आपका मल्टीप्लाई हो गया। आप करके देखिए, 9 × 18 यहीं से शुरुआत होता है, यही आएगा आपसे आंसर। ठीक है, जो पहला मेथड बताया था, जो पहला ट्रिक था, उसके उसके और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे 33 को 33 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करेंगे, 1 2 3, ठीक है, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको कहाँ से कहाँ जोड़ना है। ठीक है, इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है, लेकिन अगर 3 डिजिट हो यहाँ पर और यहाँ पर 2 डिजिट, तो उसको भी इसी तरह से निकाल सकते हैं। उसको भी मैं अगला क्वेश्चन वही लेता हूँ, आप देखिएगा। ठीक है, ये 3 3 हमने खींच लिया, और फिर उसके बाद इधर भी 3 3 है, तो क्या किए, 1 2 और ये 3, फिर इसी तरह से 1 2 3, अब इसको आप जोड़ लीजिए, जोड़िए कितना आएगा, 3 3 6 3 3 9, सब में 9 9 ही आएगा, 9 18 का 8 एक हासिल, इधर ये कितना हो जाएगा, 10, तो 1089 हो गया। अब देखिए, मैंने जो अभी आपको बताया कि आप क्या कर सकते हैं, जैसे 3 3 2 और ये 32, इसमें हम क्या करते हैं, देखिए करना सेम वही है, प्रोसीजर सेम रहेगा, 3 3 लाइन खींचिए आप, 1 2 3, फिर 3 1 2 3,
तीन, फिर आपको दो लाइन खींचना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, तीन है, एक दो तीन, और ये दो है तो ये दो लाइन हो गया। फिर इसमें आप करते क्या हैं, इसको ये इसको यहाँ पर लिखिए और इसको इससे ऐड करके यहाँ पर लिखिए, और ये वाला जो है इससे ऐड करके यहाँ लिखिए, और ये वाला जो है यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। ऐसे आंसर आ जाएगा। ऐड करिए, ये चार हो गया, यहाँ चार लिख दीजिए, यहाँ कितना है, एक दो तीन चार पाँच छः, छः चार छः छः बारह के दो, एक हासिल इधर गया, ये कितना हो गया छः, ये छः, ये नौ हो गया, नौ छः पंद्रह, पंद्रह एक सोलह, सोलह के छः, एक हासिल इधर, ये नौ एक दस, तो ये दस, 10,624 ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों और भी मल्टीप्लाई के दो तीन तरह के ट्रिक और है जो कि इससे भी बेहतर है, तो उसको भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, उसके लिए आप बेल आइकॉन दबा दीजिए। टारगेट गवर्नमेंट नौकरी को आप सपोर्ट करिए दोस्तों। थैंक यू।